हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशन का जो हमारा पार्ट वन लेक्चर था उसमें हमने 12 क्वांटिटीज बोल सकते हैं आप एक तरीके से, उनका डायमेंशन फॉर्मूला हम किस तरह से लिखते हैं ये पार्ट हमने कवर कर लिया था। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सारी क्वांटिटीज को कवर करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है। जहाँ पे 11th क्लास की क्वांटिटीज खत्म हो जाएगी वहाँ पे मैं आपको बोल दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में, इफ दे वांट टू स्किप द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इन 12th सिलेबस, दे कैन स्किप। सो स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ तक हमने कर लिया था, तो हम नेक्स्ट क्वांटिटी पे मूव कर रहे हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्टूडेंट्स, आप तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जनरली स्टडी करेंगे। जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आएंगे। बट स्टूडेंट, कोई सा भी हो, यूनिट सबका सेम होता है, डायमेंशन सबका सेम होता है। एक आप स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस दूसरा आप स्टडी करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और थर्ड वन आप स्टडी करेंगे, इसको हम लोग शियर मॉडुलस भी बोलते हैं, शियर मॉडुलस। और तीसरा होगा स्टूडेंट्स, बल्क मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स, जनरल फॉर्मूला जो सबके लिए हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा डायमेंशन का पर्पस सॉल्व हो जाएगा, दैट इज ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। सो फॉर्मूले के बाद अब हमें इसका एसआई यूनिट लिखना है। तो स्टूडेंट, स्ट्रेस का यूनिट वही होता है जो हमने देखा था प्रेशर का होता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो होता है एक तरीके से फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और इनटू में साथ में क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। अब स्टूडेंट्स, फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि स्ट्रेन जो होता है स्टूडेंट्स वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम आगे बात करें तो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो देखो, फोर्स का लिखेंगे न्यूटन जो है, और एरिया का लिखेंगे, तो फिर हमें स्ट्रेन का तो कुछ होता ही नहीं है। तो फोर्स का मैंने लिखा, डायमेंशन फॉर्मूला मुझे लिखना है, तो मैंने फोर्स का मैंने लिखा m1 L1 t-2, और एरिया का मैंने लिखा L2। जब स्टूडेंट मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा m1 L-1 और t-2। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। नाउ अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, 14। सो 14 नंबर पे हम ले रहे हैं स्टूडेंट सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी स्टूडेंट, इनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है, इवन इनका फॉर्मूला डिफरेंट है। सरफेस टेंशन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, मींस फोर्स अपॉन लेंथ। और सरफेस एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी
पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट अगर हम इसका यूनिट लिखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और लेंथ का मीटर होता है, और यहाँ से अपन यूनिट लिखें तो एनर्जी का जूल होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट ये जूल अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर के सेम ही है। देखो किस तरह से हम जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर को ही तो जूल बोलते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट ये वाला जो मीटर है इससे कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली न्यूटन अपॉन मीटर ही आ गया। तो सरफेस टेंशन को सपोज मैंने टी से डिनोट किया, तो कई बार हम इसको सिग्मा से भी डिनोट कर देते हैं, तो और कई बार एस से भी डिनोट कर देते हैं एस, तो मैं यहाँ एस ले लेता हूँ। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ से निकाल लेते हैं, मतलब न्यूटन का और मीटर। तो फोर्स का होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, ये तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स नीचे क्या है लेंथ, तो लेंथ का हो गया एल वन, तो एल वन से एल वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया एम वन एल जीरो टी माइनस टू। ये हमने किसका लिख लिया स्टूडेंट, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी दोनों का सेम होगा। इसके बाद में हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं 15 नंबर पे, मैं आपको यहाँ पे जो है वो तीन क्वांटिटीज का डायमेंशन एक साथ सिखा रहा हूँ 15 वाले पॉइंट में। एक होता है स्टूडेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक होता है स्टूडेंट इसे प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। और एक स्टूडेंट होंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट, स्टूडेंट ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होता है, तो जब भी किसी क्वांटिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो चेंज आता है तो उसको ग्रेडियंट के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स, सपोज ये एक सरफेस है, यहाँ पे सोचो आप एक सरफेस है और इसमें फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो जनरली फ्लूड का फ्लो ऐसे लेयर्स के फॉर्म में होता है, फ्लूड इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है। तो स्टूडेंट क्या जो ऊपर जो लेयर होती है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है। तो जैसे ये ऊपर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है नीचे वाले से, तो सपोज ये नीचे वाली लेयर थोड़ा धीरे चलती है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी वेलोसिटी मान लो वी वन है और ऊपर वाली लेयर की थोड़ी ज्यादा है, मान लो इसकी वी टू है, और इन दोनों लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये मान लो कुछ भी ले सकते हो आप, एक्स ले सकते हो वाई ले सकते हो, तो इसको वाई ले लेते हैं हम लोग। जैसे कई बार हम डेल्टा वाई भी लिखते हैं, डेल्टा वाई कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा, इसको मैं ओरिजिन मान लूँ और मैं यहाँ तक का डिस्टेंस वाई वन बोल दूँ, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं वाई टू बोल दूँ, तो दोनों लेयर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस गैप होगा, दोनों लेयर्स के बीच का ये जो डिस्टेंस गैप होगा, ये हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज चेंज इन वाई, डेल्टा वाई बोल दिया मैंने इसको। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी लेंगे हम पहले, चेंज इन वेलोसिटी ये होता है चेंज, वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी में चेंज लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी That is divided by distance between layers. So upon distance हो गया। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी एक वेलोसिटी ही होगा,
तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब इसका यूनिट क्या आएगा, तो हम इसका यूनिट लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका यूनिट आएगा, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। यहाँ पे वन लगा देते हैं तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे वन आएगा, तो ये हो गया स्टूडेंट्स मीटर इंटू वन अपॉन मीटर इंटू सेकेंड। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आ गया वन अपॉन सेकेंड। तो स्टूडेंट वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास में ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। मास इसमें नहीं आ रहा, लेंथ भी नहीं आ रहा, और ये सेकेंड वन अपॉन सेकेंड हो जाएगा सेकेंड पावर माइनस वन, तो टी पावर माइनस वन, ये डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्रेशर ग्रेडियंट में होता है स्टूडेंट्स, प्रेशर ग्रेडियंट प्रोग्राम में नीचे ले लेता हूँ, प्रेशर ग्रेडियंट इसको भी हम थोड़ा नीचे मूव कर देते हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज करो कि स्टूडेंट एक पाइप है, ये एक पाइप है, सपोज करो इस तरह से एक पाइप है, अब इस पाइप के अंदर कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है। फॉर्मूला बहुत आसान होगा, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट में क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। तो सपोज करो स्टूडेंट ये हमने कोई लेवल ले लिया, यहाँ ग्राउंड पे लेवल ले लिया हमने, अब ये जो ग्राउंड का जो लेवल है यहाँ से हम हाइट मेजर कर रहे हैं। तो सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट की जो ग्राउंड से हाइट है वो एच वन है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट की ग्राउंड से जो हाइट है वो एच टू है। तो अगर स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैं बात करूँ तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये हाइट में डिफरेंस आएगा एच टू माइनस एच वन, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रेशर सपोज करो स्टूडेंट यहाँ पे पी वन है और यहाँ पे पी टू है, तो वो चेंज इन प्रेशर हो जाएगा पी टू माइनस, हायर प्रेशर होता है नीचे तो पी वन माइनस पी टू ले लेंगे, और हाइट में डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स एच टू माइनस एच वन। नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है इसलिए मैंने पी वन को पहले लिखा है। तो अब इसमें ज्यादा आपको भी जाना नहीं है, ये आप जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको नॉर्मली समझना है, थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो चेंज इन प्रेशर एक प्रेशर ही तो होगा स्टूडेंट्स, चेंज इन प्रेशर एक प्रेशर होगा, और चेंज इन हाइट या डिस्टेंस एक हाइट ही होगा, तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस हो गया एक तरीके से। अब प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू हाइट। अब इसका यूनिट अगर अपन लिखें तो फोर्स का अपन लिखेंगे न्यूटन, एरिया का अपन लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और हाइट का अपन लिखेंगे मीटर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है स्टूडेंट्स, तो हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो न्यूटन के लिए हम क्या लिखते हैं, एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाई, एम थ्री को अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एल पावर थ्री। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा एम वन और ये एल थ्री ऊपर जाएगा तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एल माइनस टू हो जाएगा टी माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर ग्रेडियंट, आप निकालना सीखें, आपको रटना नहीं है इनको। सेम ऐसे स्टूडेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट के साथ होना है, ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स जैसे एक मेटल रोड है, सपोज करो कि ये एक मेटल रोड है, अब इस मेटल रोड में क्या होगा स्टूडेंट्स, सपोज ऐसे इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में हीट जा रही है, हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ जाती है, तो
ये टेम्परेचर मान लो यहाँ T1 है और यहाँ पे टेम्परेचर मान लो T2 है, और T1 T2 से बड़ा है और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। तो स्टूडेंट टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। तो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है यहां से यहां तक, तो चेंज इन टेम्परेचर एक तरीके से टेम्परेचर ही होगा, है ना स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है एज इट इज। तो हम इसका यूनिट लिखते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट का हम क्या लिखते हैं, यूनिट। तो टेम्परेचर का कैल्विन होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो ये हो गया कैल्विन पावर माइन कैल्विन पावर वन और मीटर पावर -1। अब स्टूडेंट कैल्विन भी एक फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल में टेम्परेचर भी आता है। तो अब हम यहाँ पे इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो मास बिल्कुल नहीं आ रहा, यहाँ किलोग्राम नहीं आ रहा, 0। मीटर -1 आ रहा है तो एल -1, टाइम नहीं आ रहा यहाँ, सेकेंड नहीं आ रहा तो 0, और कैल्विन एक नई क्वांटिटी यहाँ आ गई है स्टूडेंट्स, तो कैल्विन पावर वन। ये स्टूडेंट हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो देखो स्टूडेंट्स, एनर्जी कोई सी भी हो सारी एनर्जीज का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होता है स्टूडेंट, जैसे ये वर्क का और एनर्जी का निकला था। अब स्टूडेंट वर्क का जो होता है ना, वर्क और एनर्जी का होता है वही सबका होगा। जैसे अब एनर्जी, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी हो, तो इन सब का सेम ही होता है स्टूडेंट्स। तो हम आगे बात करें एनर्जीज में, आपको ध्यान रखना है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, सबका सेम होता है, और भी कोई सेम आएगा तो हम उसको वहां दिल लिख देंगे स्टूडेंट्स। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब जो मैं आपको डायमेंशन फॉर्मूला बता रहा हूँ वो स्टूडेंट्स थोड़ा यहाँ से रिलेटेड है, ये जो मैंने आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट सिखाया है ना, इससे रिलेटेड है। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको ध्यान में रखना है, इसका क्या होता है, सेकेंड पावर -1। तो स्टूडेंट्स यही डायग्राम यहाँ यूज होने वाला है जो मैंने यहाँ बनाया है, इसी टाइप से डायग्राम हम यूज करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वांटिटी का नंबर रहेगा अपना, तो नंबर अपन ले रहे हैं 16 नंबर पे अपन बात कर रहे हैं आगे। तो स्टूडेंट 16 पे अगर हम बात करें तो ये है स्टूडेंट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, और इसको कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके लिए हम जनरली ये वाला लेटर यूज करते हैं, जो एन होता है ना, इसकी टांग को थोड़ा ज्यादा खींच दिया। ये ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है जिसका नाम है स्टूडेंट ईटा, तो ईटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट ये कैसे डिफाइन होता है, तो जैसे ये फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो जैसे स्टूडेंट सपोज करो फ्लूड फ्लो कर रहा है, जैसे ये कोई सरफेस है, ये थोड़ा समझा इसलिए रहा हूँ, इसे चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप, पर आपको लर्न करने में थोड़ी आसानी रहेगी इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सपोज स्टूडेंट इसमें लेयर्स के फॉर्म में फ्लूड फ्लो करता है, तो ये फ्लूड की लेयर है ना, और इसके ऊपर फ्लूड की एक दूसरी लेयर है, ये दो फ्लूड की लेयर्स है। अब ये वाली जो लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है थोड़ी स्लो चलती है, V1 वेलोसिटी से चल रही है, ये ऊपर जो होती है थोड़ी फास्ट चलती है, चैप्टर्स में पढ़ेंगे आप, ये V2 से चल रही है। अब इसका जो ये एरिया है, इनका जो कॉन्टेक्ट में ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया ए आ रहा है। अब जब ये फास्ट, ये लेयर जब ऊपर वाली तेज चलती है, तो नीचे वाली लेयर उसको रोकने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगाती है, टेंजेंशियल फोर्स। तो स्टूडेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ से अगर ये इसको इधर फोर्स लगाएगी तो ये भी इसको इधर फोर्स लगाएगी, तो इनके बीच में फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है लेयर्स के बीच का, सपोज करो कि ये जो डिस्टेंस है ये हम ले सकते हैं वाई, ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे इन लेयर्स के बीच में फोर्स लग रहा है, और फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्टूडेंट्स स्ट्रेस, तो इन लेयर्स के बीच में जो होता है स्ट्रेस डेवलप होता है,
इन लेयर्स के बीच में क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस, और वो स्टूडेंट प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या पढ़ा था अपन ने, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब स्टूडेंट जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, देखो स्ट्रेस, तो इसको जब हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है ईटा, इसी को हम विस्कोसिटी या कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से ईटा क्या हो गया, ईटा हो गया स्टूडेंट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब स्टूडेंट आपको अगर स्ट्रेस और इसका रटा हुआ ना भी हो तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो स्ट्रेस होता है, देखो विस्कोसिटी का क्या लिखेंगे हम, तो स्ट्रेस आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि एक वेलोसिटी होगा पर यूनिट डिस्टेंस, तो ऊपर डिस्टेंस चला जाएगा, ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट यूनिट क्या आएगा, यहां से हम यूनिट लिख सकते हैं, तो फोर्स का आएगा न्यूटन, डिस्टेंस का आएगा मीटर, एरिया का आएगा स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये यूनिट आएगा स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड, ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास रह जाएगा मीटर स्क्वायर। आपको मैं बता दूं ये जो यूनिट है इसको पॉइजली बोलते हैं स्टूडेंट, ये साइंटिस्ट के नेम पर है, पॉइजली बोलते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखो इसमें क्या होगा, अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं ईटा का, विस्कोसिटी का। तो स्टूडेंट देखो कैसे लिखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो फोर्स का तो हम जानते हैं m1 l1 t-2, और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है l1। फिर स्टूडेंट एरिया का क्या होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर का हो गया स्टूडेंट्स L2, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, वेलोसिटी, डिस्टेंस तो ऊपर जा चुका है ना, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड से क्या आएगा, L1 t-1, तो ये L1 L1 कैंसिल हो गया जैसा यहाँ हो रहा था ये, तो न्यूटन का आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सेकेंड का आ गया t-1 जो आ रहा है, और L2 आ गया, तो हमारे पास में ये और ये जो L1 है इससे L2 कैंसिल करोगे तो L1 ही रह जाएगा यहाँ पे। तो ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला विस्कोसिटी जो है उसका आ जाएगा m1, ये L ऊपर जाएगा तो L-1, और t-1 ऊपर जाएगा तो t+1, ये हमारे पास विस्कोसिटी पे आ गया, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लर्न कर सकते हैं इसको। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं नेक्स्ट, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, 17 नंबर पे हम लेते हैं स्टूडेंट्स एंगल के बारे में बात करेंगे, एंगल या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट फेज एक वर्ड सुनोगे आप फिजिक्स में, फेज, तो स्टूडेंट ये फेज भी एक एंगल ही होता है, इसको फेज एंगल ही बोलते हैं हम लोग। तो देखो एंगल क्या होता है अपन ने पढ़ा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। अब स्टूडेंट्स आप जानते हो चेंज इन एंगल एक एंगल ही तो होगा, तो जो एंगल का आएगा वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का आएगा। अगर एंगल को थीटा लिखते हैं तो चेंज इन एंगल को लिखते हैं डेल्टा थीटा, डेल्टा मतलब चेंज। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो एंगल का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, तो एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर्क लेंथ, एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स में क्या होगा, तो एंगल को अगर मैं थीटा लिख दूं तो थीटा हो गया एल बाई आर। अब इसका यूनिट लिखते हैं, तो ये लेंथ है, लेंथ का मीटर होगा, हम इसका क्या लिख रहे हैं यूनिट, और रेडियस भी तो एक लेंथ ही है तो इसका भी मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो कोई यूनिट आया ही नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा सर आपने बताया था
कि एंगल का जो यूनिट होता है वो तो रेडियन होता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल जो 7 यूनिट्स है उनके फॉर्म में तो नहीं आया ना, ये तो एक आर्टिफिशियल यूनिट है। जबकि डायमेंशन हमें क्या बताता है, डायमेंशन हमें ये बताता है कि कोई भी क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, तो उसके फॉर्म में तो नहीं आया ना कुछ भी, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। तो एंगल का जो डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, वो लिखेंगे M0 L0 P0। तो स्टूडेंट एंगल के लिए अपन बात कर सकते हैं कि एंगल यूनिटलेस नहीं है, एंगल जो है स्टूडेंट्स एंगल का यूनिट तो है, एंगल यूनिटलेस नहीं है, नॉट यूनिटलेस बिकॉज इट हैव आर्टिफिशियल यूनिट रेडियन। इसके पास रेडियन नाम का एक यूनिट है जो आर्टिफिशियल है, बट डायमेंशन तो इसका जीरो है, M0 L0 P0। सो बट इट इज डायमेंशनलेस। लेकिन स्टूडेंट स्ट्रेन में आपने क्या देखा था, स्ट्रेन जब अपन ने पढ़ा था तो स्ट्रेन में आपने देखा था स्ट्रेन जो आता है वो यूनिटलेस आता है, साथ ही डायमेंशनलेस भी आता है, डायमेंशनलेस। लेकिन एंगल का यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट ये एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं वो है एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारा जो 18 नंबर पे हम बात कर रहे हैं दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट, इसको एक लेटर से लिखते हैं जनरली, इसका नाम होता है स्टूडेंट ओमेगा, ये भी ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है। तो एंगुलर वेलोसिटी होता है स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब पहले इसका यूनिट लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी हमने देखा कि रेडियन इसका एंगल का जो होता है वो इसका होता है रेडियन, और टाइम का सेकंड, तो ये हो गया रेडियन पावर 1 सेकंड पावर -1। लेकिन रेडियन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता बिकॉज ये आर्टिफिशियल यूनिट है। तो एंगुलर वेलोसिटी का अगर अपन डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो स्टूडेंट रेडियन का तो कुछ भी नहीं आएगा, तो M0 L0 आ जाएगा, लेकिन सेकेंड -1 है तो T-1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये एंगुलर वेलोसिटी का हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता दूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी यही होता है, एक आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड है ना। तो 1/टाइम पीरियड में जब आप यूनिट लिखोगे तो 1/टाइम पीरियड एक टाइम ही होता है, तो 1/सेकेंड लिखोगे मतलब सेकेंड इनवर्स ही लिखोगे, तो यही यूनिट आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। और एक क्वांटिटी आप पढ़ोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसका भी स्टूडेंट सेम यही होगा, वो भी एंगल अपॉन टाइम ही होता है। तो स्टूडेंट क्या क्या सेम हुआ, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी जब होती है ना स्टूडेंट्स तो ये 1/सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं, HERTZ। तो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीनों का स्टूडेंट सेम ही होता है डायमेंशन फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 19। तो 19 पे हम बात कर रहे हैं एंगुलर एसेलरेशन। एंगुलर एसेलरेशन इसको जनरली इस लेटर से लिखते हैं, दिस इज अल्फा। तो ये होता है स्टूडेंट्स चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
अभी स्टूडेंट्स, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी तो होगा, दिस विल बी ए एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। अब स्टूडेंट हम इसका यूनिट लिखते हैं, तो यूनिट क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने लिखा था रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम का हो जाएगा सेकेंड, तो इसको नीचे लगा देते हैं वन, तो ये हो गया रेडियन इंटू वन अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड सेकेंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हो गया रेडियन पावर वन सेकेंड पावर माइनस टू। नाउ अब इस अल्फा का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इस पर डायमेंशन लिखे, तो रेडियन का तो कुछ होता नहीं है, तो एम जीरो एल जीरो और सेकेंड माइनस टू, तो ये हो जाएगा टी माइनस टू। तो ये हमारे पास हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वांटिटी ले रहे हैं स्टूडेंट्स 20 पे, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैपिटल आई से लिखते हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसका मास जो है, उसका जो मास है वो एम है, और ये कोई एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है जिसके चारों तरफ, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आर है, और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूम रही है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेट होता है। तो ये होता है स्टूडेंट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जो इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करते हैं, मतलब मास को एम लिख दें और डिस्टेंस को आर लिख दें, तो एम आर स्क्वायर होता है ये। तो अब स्टूडेंट इसका यूनिट क्या आएगा, तो मास का किलोग्राम और आर तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्टूडेंट किलोग्राम का क्या होता है एम वन, मीटर स्क्वायर का एल टू, और टी यहाँ आ नहीं रहा है तो टी जीरो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। स्टूडेंट एक टर्म होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस ही होती है, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वहीं पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले पढ़ा था, वहीं पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो यहीं पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको जनरली के लेटर से लिखते हैं हम लोग, तो ये भी एक डिस्टेंस ही है, दिस इज ऑल्सो अ डिस्टेंस। तो हमें तो डायमेंशन से, डायमेंशन वाले फॉर्मूले से मतलब होता है ना स्टूडेंट्स, तो हमें डिस्टेंस है तो फिर इसका एल वन ही हो जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन भी हो गया स्टूडेंट्स। तो ये क्वांटिटी हमने डिस्कस कर ली। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद अब हम बात करें स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम की। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो ये होता है स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, उसको शॉर्ट में एम आई भी बोलते हैं हम लोग, एम आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं एम आई लिख देता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आई इंटू इंटू एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम को जनरली जे लेटर से या फिर एल लेटर से लिखते हैं, तो स्टूडेंट एंगुलर मोमेंटम एल क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आई और एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा। अब स्टूडेंट्स यूनिट लिखते हैं इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अभी आपने देखा था किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ये होता है स्टूडेंट्स एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो मास का हो जाएगा किलोग्राम, आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ओमेगा का देखा था रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो ये यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, किलोग्राम पावर वन मीटर पावर टू सेकेंड पावर माइनस वन इंटू रेडियन पावर वन, बट रेडियन का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम का,
एंगुलर मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट्स एल, इसके लिए अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो मास पावर 1 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर का एल 2 हो जाएगा और इसका टी माइनस 1 हो जाएगा और रेडियन का कुछ होता नहीं है, तो ये हमने एंगुलर मोमेंटम भी कवर कर लिया। अब स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं 22, 22 पे बात कर रहे हैं। तो 22 में हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम के बाद, वो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम टॉर्क। स्टूडेंट जो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, टॉर्क का एक दूसरा नाम भी है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क का स्टूडेंट्स वही होगा जो मोमेंट ऑफ फोर्स का होगा। तो टॉर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है स्टूडेंट न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर होता है, ये हमने यूनिट लिखा। और आपको पता है न्यूटन इंटू मीटर तो जूल के इक्वल होता है और जूल तो वर्क का यूनिट भी था। तो याद रखो जो टॉर्क का स्टूडेंट वही होता है जो वर्क का होता है। तो टॉर्क का यहाँ पे क्या हो जाएगा एम वन, पहले फोर्स का लिखते हैं। तो अच्छा टॉर्क को इस लेटर से लिखते हैं, ये भी ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है, इसको टाओ बोलते हैं, टाओ। तो स्टूडेंट टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पहले फोर्स का लिखेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू, ओके, और डिस्टेंस का हो गया एल वन। तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, ये स्टूडेंट हमारे पास टॉर्क का हो जाएगा। अब टॉर्क के बाद अपन बात करें आगे, तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी हमारे पास आ रही है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ वेव, नॉर्मली इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट 23 पे चलते हैं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोल सकते हो और ऑफ वेव बोल सकते हो। तो इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी, जैसे ये कोई एरिया है स्टूडेंट, ये कोई एरिया है, अब इस एरिया पे एनर्जी फॉल हो रही है, तो इस पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है, सपोज इस पे क्यू एनर्जी फॉल हो रही है ए एरिया पे टी टाइम में, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अब देखो स्टूडेंट इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट होता है स्टूडेंट्स एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का तो स्टूडेंट्स आप जानते हो जो वर्क का होता है वही एनर्जी का होता है जूल, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकंड। अब जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं, तो ये वाट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब स्टूडेंट्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो एनर्जी वर्क के इक्वल होती है, तो एनर्जी जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है, वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम इसकी इंटेंसिटी को हम आई लेटर से डिनोट कर रहे हैं, तो इसका अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखें तो सबसे पहले एनर्जी का लिखेंगे, तो फोर्स का होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, लेकिन इनटू में डिस्प्लेसमेंट भी है तो एम वन एल टू टी माइनस टू हो जाएगा ये एनर्जी का। फिर हम लिखेंगे एरिया का, तो एरिया का एल टू हो जाएगा। तो एनर्जी का तो हो गया स्टूडेंट एम वन एल टू टी माइनस टू, एरिया का एल टू गया, और टाइम का क्या हो जाएगा टी वन हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आने वाला है स्टूडेंट्स इंटेंसिटी का, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एल टू से तो एल टू कैंसिल हो गया ना, तो ये हमारे पास आ गया एम वन एल जीरो टी माइनस थ्री, ये हमारे पास में
इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हम जो ले रहे हैं वो है रेडिएशन प्रेशर, 24 क्वांटिटी। रेडिएशन प्रेशर तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है इंटेंसिटी, जो अभी अपन ने पढ़ी, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, अभी स्पीड किसी की भी हो वो स्पीड ही होगी। तो इंटेंसिटी का हमने क्या लिखा था अभी अभी यूनिट क्या लिखा था? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का अपन ने लिखा था, अब इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं रेडिएशन प्रेशर का, इसको पी से डिनोट कर देते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं पहले। तो इंटेंसिटी का क्या लिखा था? वॉट पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड अपॉन मीटर। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा और ओपन करते हैं। तो वॉट होता क्या है? वॉट होता है जूल पर सेकेंड। तो वॉट होता है जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन मीटर। तो ये सेकेंड से सेकेंड भी कैंसिल हो गया, तो ये तो जूल पर मीटर हो गया। और जूल किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, तो अपॉन मीटर हो गया ये। तो कैंसिल हो गया, न्यूटन आ गया, ये तो फोर्स का ही आ गया। तो रेडिएशन प्रेशर का वही हो गया स्टूडेंट्स जो फोर्स का होता है। क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये एम वन एल वन टी माइनस टू, ये हमारे पास रेडिएशन प्रेशर का हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम वन एल वन टी माइनस टू। आई थिंक हमने सही किया है, एक बार वापस से इसको चेक कर लेते हैं। इंटेंसिटी होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर, स्पीड होती है मीटर पर सेकेंड, एक मीटर कैंसिल हो गया तो वॉट इंटू सेकेंड अपॉन मीटर हो गया। वॉट हम बोलते हैं वर्क अपॉन टाइम, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन मीटर। सो जूल पर मीटर आ गया ये, और जूल हम बोलते हैं न्यूटन इंटू मीटर को। सो अल्टीमेटली हमारे पास में ये न्यूटन के इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये सही किया हम लोगों ने। इंटेंसिटी का हम क्या निकाला था? एम वन टी माइनस थ्री। और स्पीड का अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे इंटेंसिटी डायरेक्ट इससे अप्लाई करते हैं एक बार। इंटेंसिटी का हमने निकाला था एम वन एल जीरो टी माइनस थ्री, और स्पीड का होता है एल वन टी माइनस वन। तो स्टूडेंट्स में एल माइनस वन आना चाहिए, तो हमने कहीं मिस्टेक करी है। इंटेंसिटी को हमने लिखा है वॉट पर मीटर स्क्वायर, हाँ मिस्टेक यहाँ करी है स्टूडेंट्स हमने, ये हमने कैंसिल गलत कर दिया, ये कैंसिल ही नहीं होगा यहाँ पे। ये हमने जो कैंसिल किया है इसमें, ये हमने गलत कैंसिल किया है, तो हम इसको थोड़ा अपनी मिस्टेक को रिमूव करते हैं। हमने ये कैंसिल गलत किया, मतलब ये फोर्स के इक्वल नहीं आएगा स्टूडेंट्स। तो हमने गलती क्या करी है? हमने गलती करी कि यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया इसको, ये जो था ये हमने कैंसिल कर दिया यहाँ, तो ये कैंसिल होगा नहीं स्टूडेंट्स। वॉट पर मीटर स्क्वायर बल्कि तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा वॉट इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब वॉट को हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, तो जूल पर सेकेंड करेंगे तो ये सेकेंड कट जाएगा, तो जूल पर मीटर क्यूब आएगा ये। और जूल को अपन लिख सकते हैं न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी स्टूडेंट्स जूल को लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मीटर स्क्वायर मतलब प्रेशर का ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। रेडिएशन प्रेशर एक प्रेशर ही है, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम लोग न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे? एम वन एल वन टी माइनस टू, और हम मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे? एल टू। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा किसका?
रेडिएशन प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट वेलोसिटी कोई सी भी हो, एक होता है एस कैप वेलोसिटी, पढ़ोगे आप लोग तो वेलोसिटी कोई सी भी हो, एस कैप वेलोसिटी हो, कोई सी भी वेलोसिटी हो, सबका वेलोसिटी का सेम ही होता है स्टूडेंट्स। एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका सेम ही होता है। अब एक टर्म यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपन 25 नंबर पे, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम कई बार स्मॉल यू लेटर से लिखते हैं। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम करना है स्टूडेंट्स अपने को। तो एनर्जी का क्या होता है स्टूडेंट्स, एनर्जी तो वर्क वाला ही होता है ना, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो मीटर स्क्वायर रह गया, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो प्रेशर का होता है स्टूडेंट्स, जो अभी मैं निकाला था, जो रेडिएशन प्रेशर का होता है ये वाला, तो इसका भी यही हो जाएगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। तो स्टूडेंट हम बोल सकते हैं इन दोनों का सेम ही है, रेडिएशन प्रेशर प्रेशर इनका सेम ही है। इवन हमने पहले पढ़ा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये सेम किस किस का, एक बार नोट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो सेम आ रहा था, देखो हमने प्रेशर पढ़ा था सबसे पहले, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, स्ट्रेस का भी सेम आया था, फिर हमने पढ़ा स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका भी सेम आया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर हमने पढ़ा अभी ये रेडिएशन प्रेशर पढ़ा, रेडिएशन प्रेशर इसका भी सेम ही आया था, और लास्ट में ये एनर्जी डेंसिटी को देखा, तो एनर्जी डेंसिटी का भी वही आ रहा है, तो इन सब का सेम आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, और एक चीज़ आप नोटिस करो, इससे पहले हमने टॉर्क निकाला था, तो टॉर्क का ही जो आ रहा है ना, ये वर्क के इक्वल ही आ रहा है, एम वन एल टू टी माइनस टू, तो टॉर्क का वही आ रहा है जो वर्क और एनर्जी का आया था। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी होती है, हमें काफ़ी हेल्प करती है क्वेश्चन सोल्व करने में। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं 26। तो 26 में जो हम नेक्स्ट क्वांटिटी ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ले रहे हैं हम लोग कुछ ऐसी क्वांटिटीज ले रहे हैं जिनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। स्टूडेंट एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की बात करें तो जब भी एफिशिएंसी निकालते हो तो आप निकालते हो आउटपुट, आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क या इनपुट एनर्जी। तो स्टूडेंट वर्क अपॉन वर्क है, जूल पर जूल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो ये तो यूनिट लेस आ गया, तो एफिशिएंसी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सेम ऐसे में एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, ऊपर भी आएगा मीटर पर सेकेंड, नीचे भी आएगा मीटर पर सेकेंड, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको म्यू से या एन से डिनोट करते हैं, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट एक टर्म होता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और स्टूडेंट इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जिसका भी रिलेटिव डेंसिटी आप निकाल रहे हो उसका डेंसिटी लेंगे,
और उसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स इससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट देखो रिलेटिव डेंसिटी में क्या रहा, ऊपर भी डेंसिटी, तो डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और नीचे भी डेंसिटी आ रहा है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसे में रिलेटिव डेंसिटी का भी क्या आएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ऐसे स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हीट रेशियोज, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देखो अपन क्या लिखते हैं, साइन थीटा क्या लिखते हैं अपन, साइन थीटा अपन लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है और हाइपोटेनस भी एक लेंथ है। जो हाइपोटेनस होता है दैट इज ऑल्सो अ लेंथ। सो स्टूडेंट्स अगर लेंथ अपॉन लेंथ करेंगे मतलब मीटर अपॉन मीटर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो आपने देखा किस किस का डायमेंशन नहीं आ रहा, मतलब एक तरीके से अगर अपन थोड़ा नोट करें तो किस किस का डायमेंशन नहीं आ रहा। तो देखो एंगल, एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन, इसका भी नहीं आ रहा। फिर हमने स्ट्रेन के बाद ये हमने जो बात करी है इफिशियंसी, इसका भी नहीं आ रहा। फिर आगे अपन ने बात करी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी नहीं आ रहा। फिर आगे हमने बात करी है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसका भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आ रहा। फिर आगे हमने बात करी है टी रेशियोज, तो इन सभी का क्या आ रहा है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ रहा है, मतलब कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की, तो 27 पे चलते हैं। तो स्टूडेंट ये है एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। अच्छा स्टूडेंट एंगुलर इंपल्स का वही होगा जो एंगुलर मोमेंटम का होगा, जैसे लीनियर इंपल्स का वही होता था जो लीनियर मोमेंटम का होता था। तो हम वहीं पे नोट कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम का हमने कहाँ निकाला था, ये रहा, तो यही स्टूडेंट एंगुलर इंपल्स का होगा। इसको एक तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं जो हमने लिखा है, और एक फॉर्मूला इसका और वो है टॉर्क इंटू टाइम। जैसे वहां फोर्स इंटू टाइम था ऐसे ही यहाँ पे है टॉर्क इंटू टाइम, उससे भी निकालोगे तो यही आना है स्टूडेंट्स। तो ये एंगुलर इंपल्स हमारा कवर हो गया। तो अब हम आगे बात करें 27, तो अब हम यहाँ पे ले रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका कैसे निकालते हैं, तो दो मासेस के बीच में आपने फोर्स पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो ये जो जी है यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन मास इंटू मास एम वन एम टू। अब इस जी का अपन ऐसा यूनिट लिखे तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम इंटू किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर। तो अब अपन डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं जी का, तो सबसे पहले अपन फोर्स का लिखेंगे ऊपर, तो वो आएगा एम वन एल वन टी माइनस टू। फिर अपन लिखेंगे डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस लेंथ है तो एल टू, और मास का के जी इंटू के जी, तो ये हो गया एम टू। तो यहाँ से जी क्या हो गया, यहाँ से जी हो गया स्टूडेंट्स एम टू, ऊपर जाएगा तो एक पावर कम हो जाएगी एम माइनस वन, एल वन और एल टू मिलके एल थ्री बन जाएंगे। सो एम माइनस वन एल थ्री, और ये एम एम वन एम टू एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो गया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं
प्लैंक कांस्टेंट की, प्लैंक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज एच न्यू, वो होती है, एनर्जी को ई लिख देते हैं। तो ये जो एच होता है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, तो एच हो गया ई बाई न्यू। ई क्या है स्टूडेंट? एनर्जी। और न्यू क्या है स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 1/ टाइम पीरियड। तो अब इसका एसआई यूनिट लिखते हैं अपन। तो एसआई यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स इसमें? तो एनर्जी का क्या आएगा? एनर्जी का आएगा जूल, एनर्जी का जूल आएगा। और फ्रीक्वेंसी का आएगा 1/सेकेंड, 1/सेकेंड। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। अब जूल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मतलब फोर्स इंटू मीटर इंटू सेकेंड। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो पहले न्यूटन का लिखते हैं m1 l1 t-2, फिर मीटर का लिखते हैं, तो मीटर का हो गया l1, सेकेंड का हो गया t1। ये हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या आया? m1 l2 हो जाएगा, m1 और l1 l1 मिलके l2 हो जाएगा, और t हमारे पास कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, सॉरी t -2 में 1 ऐड होगा तो t -1 रह जाएगा। तो ये प्लैंक कांस्टेंट का हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमने प्लैंक कांस्टेंट कवर कर लिया। अब स्टूडेंट हम कुछ थर्मल क्वांटिटीज की तरफ जा रहे हैं। 29 नंबर से हम लोग कुछ थर्मल क्वांटिटीज की तरफ जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कई बार इसको नॉर्मली सिर्फ स्पेसिफिक हीट भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है? जैसे ये कोई मास है, ये कोई मास है m। अब इस m मास को हमने कुछ हीट दी, इससे उसका कुछ टेम्परेचर में चेंज आया। टेम्परेचर इसका बढ़ेगा अगर हीट सप्लाई करेंगे। और जो तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है हीट कितनी सप्लाई करी है आपने पर यूनिट मास। तो मास से डिवाइड करेंगे और कितना टेम्परेचर में चेंज आया पर यूनिट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में चेंज है टेम्परेचर ही होगा स्टूडेंट्स। तो ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो गया। अब इसका हम स्टूडेंट्स एसआई यूनिट लिखते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स इसका? तो हीट एक एनर्जी है, याद रखो हीट एक एनर्जी है। तो एनर्जी का होगा जूल, मास का हो जाएगा स्टूडेंट्स किलोग्राम, टेम्परेचर का होगा स्टूडेंट्स केल्विन। तो जूल पर केजी केल्विन, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास में। अब जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर को ही जूल बोलते हैं, और न्यूटन का हमें लर्न रहता है, फोर्स का हमें रटा हुआ है। तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। इसको हम कहीं स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो इसका अगर मेरे को डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले न्यूटन के लिए लिखूंगा m1 l1 t-2, ये फोर्स वाला। फिर मीटर के लिए लिखूंगा l1, फिर किलोग्राम के लिए लिखूंगा m1, और केल्विन तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जैसे mLT है, तो k1। तो स्टूडेंट देखो m1 कटेगा तो m2 जीरो हो जाएगा, और l में 1 और 1 ऐड होके l2 हो जाएगा, t-2 है, और के ऊपर जाएगा तो k-1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपली कॉल्ड स्पेसिफिक हीट का आ गया। अब इसमें इसके बाद बात करते हैं हम 30 नंबर पे, दैट इज ओनली हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है वो होती है स्टूडेंट
जो हमने ये अभी पढ़ा ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको हमें मास से मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये जो मास यहाँ डिनोमिनेटर में है इसको इधर लेके आना है। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे हम लोग, इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इधर बचेगा क्या, जब ये मास इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर बचेगा हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर बचेगा। तो अब हम इसका एसआई यूनिट लिखेंगे। तो स्टूडेंट इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होगा हीट का जूल और टेम्परेचर का कैलविन। और जूल को वही मैंने न्यूटन इंटू मीटर लिखा, ये हैबिट ले रखी है हमने। तो क्या आएगा यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एस का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, न्यूटन का होता है स्टूडेंट्स m1 L1 T-2, मीटर का L1 और कैलविन का K1। तो मेरे पास क्या आएगा, M1 आएगा, L2 आएगा, T-2 आएगा और K-1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हीट कैपेसिटी हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वांटिटी पे मूव करते हैं, 31। ये स्टूडेंट लेटेंट हीट, लेटेंट हीट स्टूडेंट जैसे मान लो कि कोई सॉलिड आइस है, इसका मास एम है और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है। अब आपने इसको हीट सप्लाई करी, जब आपने इसको हीट सप्लाई करी तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और ये मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो जब फेज में चेंज आता है तो ना मास चेंज होता है ना टेम्परेचर चेंज होता है। तो ऐसे में जो हीट जो होती है, जो फेज को चेंज करती है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो ये होती है स्टूडेंट्स हीट सप्लाइड पर यूनिट मास, मतलब हीट अपॉन मास। तो हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी अपॉन मास। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा हीट का क्या होता है जूल, और मास का क्या होता है किलोग्राम। और जूल किसको बोलते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं, तो पर किलोग्राम। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो लेटेंट हीट को हम लोग एल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो लेटेंट हीट के लिए हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज m1 L1 T-2, और मीटर के लिए क्या लिखेंगे L1, और किलोग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे m1। तो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m0 L2 T-2, m0 L2 T-2 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम बात करते हैं, 31 तक हम पहुंच गए हैं, 32 पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो 32 में मैं जो ले रहा हूँ नेक्स्ट, वो ले रहा हूँ स्टूडेंट्स कोफिशियंट थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। देखो स्टूडेंट ये क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स ये कोई रोड है, इसकी लेंथ मान लो एल है, और आपने इसको हीट दी, और हीट देने से क्या हुआ, थोड़ा गर्म होकर ये फैल गई और इसकी लेंथ हो गई एल डैश। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ना, ये इस तरह से डिफाइन होता है, इसकी डायमेंशन में कितना चेंज आया। जैसे अगर ये प्लेट होती, जैसे ये प्लेट होती, इसका एरिया ए होता तो ये बड़ी हो जाती, तो इसके एरिया में चेंज आता। अगर ये गोला होता तो ये बड़ा हो जाता, तो इसके वॉल्यूम में चेंज आता। तो अल्टीमेटली चेंज इन डायमेंशन लेना, जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, हम बोल सकते हैं चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। अब वो डायमेंशन जो होती है, वो डायमेंशन क्या हो सकती है, वो डायमेंशन लेंथ हो सकती है, वो एरिया हो सकती है, वो वॉल्यूम हो सकती है, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल डायमेंशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर, कितना आपने टेम्परेचर में चेंज किया, कितना गर्म किया इसको आपने। अब चेंज इन डायमेंशन से एग्जांपल लेता हूँ, चेंज इन लेंथ,
डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल और चेंज इन टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स का यूनिट लिखें अपन, तो चेंज इन लेंथ भी तो एक लेंथ ही है, तो मीटर आएगा, लेंथ का भी मीटर आएगा और इसका कैलविन आएगा, तो मीटर से मीटर तो कट जाएगा, तो ये कैलविन पावर -1 आएगी ना। अब यहाँ एरिया लोगे तो एरिया से एरिया कट जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, वो भी के -1 ही आएगा। तो एक तरीके से कोफिशियंट ऑफ लीनियर, ये तीन टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है, एक एरियल होता है और एक वॉल्यूम होता है। तो कोई सा भी हो, लीनियर को अल्फा से लिख देते हैं, एरियल को बीटा से लिख देते हैं, वॉल्यूम वाले को गामा से लिख देते हैं। तो कोई सा भी हो हमें तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो अल्फा वाला हो, चाहे वो बीटा वाला हो, चाहे वो गामा वाला हो, कोई सा भी हो। एम जीरो आ जाएगा, एल जीरो आ जाएगा, टी जीरो आ जाएगा, के -1, कैल्विन -1। तो ये आ गया कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वांटिटी 33 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और वो है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी था सेम वैसे ही है, इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, और इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी बोलो या कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलो, तो इसको जनरली हम के लेटर से लिखते हैं। तो स्टूडेंट देखो ये कैसे डिफाइन होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले, एक एक रोड लेते हैं हम, तो ये एक रोड ली हमने, तो ये जो रोड है, तो ये जो रोड है इसमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका। अब यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो T1 है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है इस रोड का वो T2 है। अब T1 T2 से बड़ा है तो हीट तो इधर ही जाएगी ना, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बना दें यहाँ पे अपन, तो हीट तो इसको क्रॉस करके इधर ही जाएगी, तो इधर हीट जा रही है। और मान लो कि क्यू हीट क्रॉस करके जा रही है टी टाइम में, तो हम यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर जितना हो रहा है पर यूनिट टाइम, जितना हीट जा रहा है पर यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डी है, तो हमने पहले एक टर्म डिफाइन किया था वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वो हमने लिखा था चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर एक टेम्परेचर ही होगा अपॉन डिस्टेंस, इस तरह से हमने डिफाइन किया था। अब स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, यहाँ मैं इसको थोड़ा अलग कलर में ले लेता हूँ। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, और दूसरा ये जो प्रोपोर्शन होता है ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शन होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है स्टूडेंट्स, ये है हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, इसी को हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया हमने, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को हीट अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, चेंज इन वेलोसिटी होता है, बट चेंज इन वेलोसिटी भी तो एक वेलोसिटी है इनटू एरिया। तो यहां से के का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया है, देखो हीट डिस्टेंस इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डिवाइडेड बाय, तो ये हीट इनटू डिस्टेंस हो गया,
इधर आ जाएगा वेलोसिटी और एरिया इधर नीचे आ जाएगा, तो वेलोसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम, इसका यूनिट लिखते हैं स्टूडेंट हम लोग। तो देखो हीट का यूनिट क्या होता है जूल, डिस्टेंस का होता है मीटर, फिर वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकेंड, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर और टाइम का होगा सेकेंड। तो ये सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, ये मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आ गया जूल पर मीटर स्क्वायर। और जूल क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया ये। हमने एक मिस्टेक करी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक मिस्टेक करी है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी हमने फ्लो में। वो मिस्टेक हमने ये करी है कि यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट लेना होता है, ये मैंने बहुत गलत लिखा है यहाँ पे। एक्चुअल में दिस इज नॉट वेलोसिटी ग्रेडियंट, दिस ये भी गलत हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी की जगह टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा। ये वेलोसिटी हट जाएगा यहाँ से, ये वेलोसिटी यहाँ से भी हट जाएगा, और इसका यूनिट जो मीटर पर सेकेंड लिखा है ये भी हम यहाँ से हटा देंगे। एक्चुअल में ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है, नॉट वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो यहाँ भी क्या आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। तो यहाँ से क्या आएगा हीट इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर आएगा ना कि वेलोसिटी, ये आएगा। तो अब यूनिट क्या आएगा, हीट का तो होता है जूल एनर्जी है, डिस्टेंस का होता है मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकंड, इससे ये कैंसिल भी हो गया एक मीटर। और जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं, तो ये हो गया वॉट और मीटर केल्विन रह गया। अब स्टूडेंट यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो जूल होता है ना, जूल को हम लिख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर। देखो थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं यूनिट को वापस से, जो जूल आया था हमारे, देखो यूनिट क्या आया था जूल और नीचे था कैल्विन, मीटर और सेकंड था, तो जूल को मैंने लिखा न्यूटन इंटू मीटर, और ये कैल्विन है तो ये मीटर है और ये सेकंड है, तो मीटर से मीटर कट गया। अब मैं इसका यूनिट लिख रहा हूँ, डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखो न्यूटन का क्या लिखेंगे एम वन एल वन टी माइनस टू, और कैल्विन का लिख देंगे के वन, और जो सेकेंड है ना उसका क्या लिख देंगे टी वन। तो ये क्या बनेगा एम वन एल वन टी माइनस थ्री के माइनस वन, स्टूडेंट्स ये बन जाएगा एम वन एल वन टी माइनस थ्री के माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में आ गया 33। नाउ मूव करते हैं 34 पे, तो 34 पे मूव कर रहे हैं अब हम। तो स्टूडेंट्स 34 पे मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया अपना। अब मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, अच्छा स्टूडेंट एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमने जो स्पेसिफिक हीट पढ़ा था ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें एक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी होती है। उसमें क्या होता है मास को, ये मास है ना इसको मोल के टर्म्स में लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे केजी ना के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। चल बाकी हीट कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पहले यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, फिर बाद में उसकी बात कर लेंगे। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसको हम जनरली कैपिटल आर से लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज करो ये कोई कंटेनर है, सपोज करो ये कोई कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, इस कंटेनर में गैस भरी हुई है। इस गैस का जो प्रेशर है
वो पी है, इस गैस का जो टेम्परेचर है वो टी है, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो वी है। तो स्टूडेंट ये जो, और इसमें जो गैस का अमाउंट है, गैस का जो अमाउंट है, जनरली जो गैसेज होती है उसमें मॉलिक्यूल काउंट होते हैं, तो इसका जो अमाउंट है वो मोल में करते हैं। तो सपोज ये एन मोल है, एन मोल अमाउंट है, इसमें एन मोल गैस है। स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूँ, इससे पहले एक नंबर होता है एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर, इसको हम एन ए से लिखते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.02 × 10⁻²³ पर मोल, 1 बाई मोल। तो अगर एन ए का, अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला, इस एवोगेड्रो नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो, तो ये हो जाएगा एन जीरो एल जीरो टी जीरो मोल माइनस वन, मतलब अल्टीमेटली मोल माइनस वन हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो हम यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, तो वो क्या होता है, ये प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इस अमाउंट में रिलेशन होता है। तो जब ये साइंटिस्ट ने सर्च किया तो ये रिलेशन आया पीवी इक्वल टू एन आर टी। ये जो आर है यही यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो आर क्या हो गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। अब इसका यूनिट लिखते हैं, तो स्टूडेंट प्रेशर का यूनिट लिखते हैं सबसे पहले, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, एन है नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर का है कैल्विन, तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो ये न्यूटन इंटू मीटर बच गया, न्यूटन इंटू मीटर को लिख सकते हैं जूल, तो ये हो गया जूल पर मोल कैल्विन, मतलब इसका जो यूनिट हो गया वो हो गया जूल पावर वन मोल पावर माइनस वन कैल्विन पावर माइनस वन। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले न्यूटन का लिखेंगे, तो न्यूटन का आ जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू, फिर मीटर का लिखेंगे तो वो एल वन आ जाएगा, फिर हम मोल का लिखेंगे तो एम ओ एल आ जाएगा मोल पावर वन, और कैलविन का के वन आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एम वन एल टू है ना, एम वन एल टू टी माइनस टू मोल माइनस वन कैल्विन माइनस वन। मतलब देखो स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी है ये फाइव फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, अभी तक ऐसी क्वांटिटी हमें नहीं मिली थी जो फोर से ज्यादा पर डिपेंड करे, बट ये फाइव फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। नाउ 35 नेक्स्ट पे हम मूव, दैट इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इसको हम के बी से लिख देते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर एन ए। अब देखो डायमेंशन फॉर्मूला, यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या आएगा, सबसे पहले यूनिट लिखे, तो आर का यूनिट क्या लिखा था हमने, तो ये लिखा था जूल पर मोल कैल्विन, तो यहाँ लिखा जूल पर मोल इंटू कैल्विन डिवाइडेड बाय, एवोगेड्रो नंबर होता है 1/मोल, अभी मैंने बताया था आपको, तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जूल पर कैल्विन। तो स्टूडेंट जूल पर कैल्विन आ गया, तो सर सिर्फ फर्क इतना सा पड़ रहा है कि यहाँ से पहले क्या था, जूल पर मोल कैल्विन था, अब जूल पर कैल्विन है, तो बस मोल ही तो हटा है यहाँ से, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ मोल वाला टर्म हट जाएगा, तो ये सेम आर की तरह हो जाएगा एम वन
एल टू, टी माइनस टू और के माइनस वन, मोल यहाँ से इलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 36। तो हीट ट्रांसफर वाले टॉपिक में आप ये पढ़ोगे स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। तो स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है इंटेंसिटी, जो अपने पढ़ी थी ना इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपॉन टेम्परेचर पावर फोर्स। इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर पावर फोर, टेम्परेचर पावर फोर। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी का यूनिट क्या आया था? वॉट पर मीटर स्क्वायर, आई थिंक ये इंटेंसिटी का यूनिट आया था। देखो तो इंटेंसिटी हम देखते हैं, यहाँ पे हमने इंटेंसिटी को हमने स्टडी किया है अभी। ये रहा इंटेंसिटी का यूनिट आया था हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर, और जब हमने डायमेंशन लिखा था तो ये आया था हमारे पास में एम वन एल जीरो टी माइनस थ्री। तो बस बहुत इजी है, इसी को डायरेक्ट यूज करते हैं एम वन एल जीरो टी माइनस थ्री। तो इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। देखो तो यूनिट लिख लेते हैं पहले, तो पहले हम इसका यूनिट लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होगा, देखो पहले हम इसका यूनिट लिखते हैं। तो इंटेंसिटी का आया था वॉट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर पावर फोर मतलब कैल्विन पावर फोर हो गया। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टीफेंस कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनने वाला है? तो सबसे पहले वॉट वॉट पर मीटर स्क्वायर का क्या आया था, चलो ओपन ही कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट होता है स्टूडेंट्स जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर कैलविन पावर फोर, और जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर कैल्विन पावर फोर। तो एक मीटर यहाँ से कट जाएगा। तो हम न्यूटन का क्या लिखेंगे, एम वन एल वन टी माइनस टू, फोर्स का तो हमें रटा हुआ है ना। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, नीचे सेकेंड टी वन लिख दिया, फिर क्या आ रहा है मीटर एक कैंसिल हो गया, एक ही मीटर है तो एल वन, और कैलविन का के पावर फोर। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एम वन, फिर ये L1 से ये L1 कैंसिल हो जाएगा, तो L0 T माइनस थ्री, ये इंटेंसिटी का आया था, और टेम्परेचर पावर फोर ऊपर चला जाएगा तो K पावर माइनस फोर। ये स्टीफेंस कांस्टेंट का हो गया। नाउ 37 वीन्स कांस्टेंट, ये आपके हीट ट्रांसफर के टॉपिक्स में आएंगे वीन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स आपके कोई प्रेशर नहीं है, आपको जितना बनाना आ सकता है, जितना आप लिख सकते हैं लर्न कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी देर इज नो प्रेशर। आप चैप्टर पढ़ेंगे तो स्लोली स्लोली ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो ही जाएंगे। तो स्टूडेंट्स वीन कांस्टेंट होता है वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, इसको जनरली बी से लिखते हैं हम। तो ये होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड विथ टेम्परेचर। सो बी इक्वल टू वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, टेम्परेचर को टी से। नाउ इसका पहले यूनिट लिखते हैं। तो वेवलेंथ एक लेंथ ही है, तो मीटर टेम्परेचर का कैल्विन, तो मीटर कैल्विन आ गया। तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मास तो कहीं आ नहीं रहा, तो एम जीरो, मीटर आ रहा है तो लेंथ वन, टाइम कहीं आ नहीं रहा टी जीरो, और कैल्विन आ रहा है तो के वन। तो ये हमारा इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। नाउ 38 मीन्स कॉन्स्टेंट के बाद हम आगे मूव करते हैं, बोल्ट्जमैन हमने कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटीज की तरफ, जो 12th क्लास में आती है, जो 11th के स्टूडेंट है वो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज, एक क्वांटिटी जो मैंने आपको बताई थी वो मैं भूल गया था, उसको पहले ले लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट सिंपल हीट कैपेसिटी होती है ना मास वाली, तो मैं उसको स्मॉल एस से लिखता हूँ, इसको मैं स्मॉल सी से लिखता हूँ। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स, वही हीट, उसमें क्या पता है हीट पर यूनिट मास,
तो इसमें मास की जगह मोल आएगा, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो हीट है दैट इज पर यूनिट मोल, मतलब हीट सप्लाइड पर यूनिट मोल, ठीक है। और फिर उसमें क्या आया था, पर यूनिट टेम्परेचर चेंज, देखो ये हमने जो किया था यहाँ पे, ये रहा हीट अपॉन मास इंटू टेम्परेचर। तो यहाँ मास की जगह सिर्फ मोल आ जाएगा और कुछ भी नहीं है, हीट अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स यूनिट लिखते हैं हम सबसे पहले इसका। तो हीट का यूनिट सबसे पहले क्या होता है, हीट एक एनर्जी है, तो जूल, मोल का मोल ही रहेगा और टेम्परेचर का कैलविन। अब स्टूडेंट जूल का डायरेक्ट लिखना सीखो, अब बार बार न्यूटन इंटू मीटर नहीं करेंगे, उसमें एम वन एल वन आता है, बस एल टू आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम वन, जूल का हो जाएगा एम वन एल टू टी माइनस टू, जैसे फोर्स का रहता है आपने एम वन एल वन टी माइनस, जैसे जूल का भी रखो, अपॉन मोल पावर वन कैलविन पावर वन। तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, एम वन एल टू टी माइनस टू मोल माइनस वन कैलविन माइनस वन। तो इसमें देखो फाइव फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है ये। अब स्टूडेंट्स जो क्वांटिटी अगले पार्ट में आने जा रही है, दे आर द क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वांटिटी है। तो 39 पे हम मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोगों ने पढ़ा है करंट, तो करंट आपने पढ़ा था ये होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। अब स्टूडेंट ध्यान दो, करंट और टाइम ये दोनों तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल, और चार्ज जो है ना वो डेराइव्ड है। तो चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, करंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का अगर यूनिट लिखें तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का सेकंड होता है, इसको ही कूलाम बोलते हैं। तो स्टूडेंट कूलाम एक डेराइव्ड यूनिट है, कूलाम एक डेराइव्ड यूनिट है, बिकॉज एम्पियर और सेकंड फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट सही वाले। तो अब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो चार्ज को जनरली हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो मास वास तो इसमें आ नहीं रहा है, तो एम जीरो एल जीरो लिख लें। करंट का होता है एम्पियर तो ए वन, और टाइम का टी वन, तो ए वन टी वन लर्न रख सकते हो आप, ए वन टी वन या ए टी, सिंपली आप इतना भी लर्न रख सकते हो, चार्ज का ए टी होता है। तो ये हमारे पास चार्ज का हो गया स्टूडेंट्स। अब चार्ज के बाद में हम अगला जो क्वांटिटी ले रहे हैं दैट इज करंट डेंसिटी 32, करंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई पाइप है, वायर है, ये कोई वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इससे करंट पास हो रही है आई। तो करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो करंट का हो जाएगा एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला करंट डेंसिटी का जे का क्या आएगा, तो जे का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा एम्पियर का ए वन और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू, बाकी एम जीरो वो लगा सकते हो आप अपनी तरफ से, एम जीरो टी जीरो वो अपनी तरफ से लगा सकते हो इसमें। तो ये हमने किसका देखा स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी का देख लिया। अब स्टूडेंट इसके बाद में हम बात कर रहे हैं 33 नंबर। सो 33 नंबर पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिक नहीं भी बोलो, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस बोलो तो भी चलेगा, या फिर क्या हो, इसी का दूसरा नाम वोल्टेज भी है। इसी को स्टूडेंट्स ईएमएफ भी कहते हैं। इन सब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क का यूनिट होता है, अब यहाँ पे यूनिट लिखें तो वर्क का यूनिट होता है कूल, चार्ज का कूलाम। अब देखो, अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये जो ईएमएफ है ये वोल्टेज है, इसको कई बार ये लेटर से भी लिखते हैं, इस लेटर का नाम है एप्साइलन, इस लेटर का नाम है एप्साइलन, ये भी ग्रीक अल्फाबेट का एक लेटर है, ठीक है, एप्साइलन। और वोल्टेज को वी भी लिखते हैं, डेल्टा वी भी लिखते हैं, कई सारे सिंबल्स है स्टूडेंट्स के लिए। तो वर्क का क्या हो जाएगा, तो हमने बता रखा है वर्क का होता है एम वन, फोर्स में एल वन आता है, वर्क में एल टू आता है, बस फर्क इतना सा है। और चार्ज का भी पढ़ा था, एम्पीयर इंटू करंट टाइम ए वन टी वन, तो ये हमारे पास हो जाएगा एम वन एल टू टी वन, ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ये हमारे पास में किसका हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ईएमएफ वोल्टेज जो भी हम इसको बोलते हैं, 34। सो नेक्स्ट 34 पे लेते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, एक ही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये होता है स्टूडेंट्स फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलाम। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली ई लेटर से लिखते हैं, तो न्यूटन का लिखेंगे तो एम वन एल वन टी माइनस टू, और कूलाम का क्या लिखेंगे, वही ए वन टी वन। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आएगा, एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आ गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसका एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर से भी यही आएगा, यहाँ सिर्फ मीटर का वोल्टेज का कितना है ये रहा, सिर्फ मीटर का डिवाइड कर दो तो ये जो एल टू है ना इसकी जगह एल वन हो जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका। 34, नाउ वी मूव ऑन 35, तो हम 35 पे मूव करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वांटिटी में ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ से आपने पढ़ा था वी इक्वल टू आर आई, तो आर रेजिस्टेंस आर हो जाएगा वी अपॉन आई, वी क्या है वोल्टेज, तो वोल्ट इसका अगर यूनिट लिखें तो वोल्टेज का तो क्या होता है वोल्ट, और करंट का एम्पियर सिंबॉलिक फॉर्म में वी बाई ए। अब वोल्टेज का तो हम लोगों ने लिख लिया है ना, तो रेजिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, तो आर का क्या हो जाएगा, तो वोल्टेज का तो हमने वर्क अपॉन टाइम से लिखा है ना वोल्टेज का ये रहा, तो ये वाला वोल्टेज का हम यहां से ले लेते हैं, यहां से हम वोल्टेज का ले लेते हैं सेम एज इट इज। तो ये वोल्टेज का मैंने एज इट इज ले लिया, और वोल्टेज में मेरे को किसका डिवाइड करना है, तो वोल्टेज का तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है वर्क अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू से, ठीक है, और हमें एम्पियर का लेना है तो वो तो ए वन हो जाएगा। अच्छा आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, देखो वोल्टेज को क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे वर्क अपॉन चार्ज,
वोल्टेज को क्या लिखोगे, वर्क अपॉन चार्ज, और करंट को क्या लिखोगे, करंट को क्या लिखोगे, करंट को करंट ही रहने देंगे, एम्पियर। अब चार्ज क्या होता है, एटी तो होता है, तो ये हो गया वर्क अपॉन चार्ज होता है एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर, तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब वर्क का होगा एम वन एल टू टी माइनस टू, बट ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, और ए टू ऊपर जाएगा तो ए माइनस टू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला क्या आने वाला है, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये हमारे पास इसका आने वाला है। 35 पे हमने रेजिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट हम लेते हैं रेजिस्टिविटी, 36 रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था कि रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, यहाँ पे रो ही रेजिस्टिविटी होती है, तो रो होता है आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस का ये जो यूनिट अपने निकाला ना वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसी को स्टूडेंट्स ओम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम, और इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है। तो यहां से आर ए बाई एल रेजिस्टिविटी हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ। अब इसका यूनिट अगर अपन लिखें तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो ये एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम इंटू मीटर हो गया। मतलब अगर अपने को रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसमें केवल मीटर मल्टीप्लाई करना है, तो एल थ्री कर देना है बस यहाँ पे। तो रेजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, एम वन एल टू की जगह एल थ्री हो जाएगा, टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में 36 के बाद में चलते 37 नंबर पे। तो ये होता है स्टूडेंट टेम्परेचर कॉफिशियंट, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी और यू कैन से रेजिस्टेंस। तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यूनिट अगर अपन लिखे ना, या रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी भी ले सकते हो, हम ले सकते हैं चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन इनिशियल रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो यूनिट में पता है क्या आएगा, ओम अपॉन ओम, चेंज इन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होगा, और टेम्परेचर का केल्विन। तो अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला बनने वाला है वो बनेगा सिर्फ के माइनस वन, एम जीरो एल जीरो टी जीरो आ जाएगा, और केल्विन माइनस वन। जैसे कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का जो आया था वही आ रहा है एक तरीके से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 38। 38 की जो क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो स्टूडेंट्स ये होता है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज। तो अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, अगर इसका यूनिट लिखें तो चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, और वोल्टेज का होता है वोल्ट, इसको फैराड बोलते हैं, फैराड। तो अब यहां से क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो चलो कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। चार्ज का तो 80 लिख दिया, और वोल्टेज को क्या लिखेंगे, वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज, तो वोल्टेज को लिखेंगे ये V जो लिखे W बाई Q, तो W का क्या लिखेंगे, M1 L2 T माइनस टू, फोर्स में L1 आता है, वर्क में L2, और नीचे चार्ज वो ऊपर जाएगा तो दो चार्ज स्क्वायर हो जाएगा, तो ए टू टी टू हो जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला फाइनली क्या निकल के आने वाला है,
कैपेसिटर को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कूलाम है, ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये कूलाम है, ये वाला सी अलग है। तो ये हमारे पास आएगा एम माइनस वन, फिर एल टू ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू हो जाएगा, टी माइनस टू पहले से है तो टी फोर हो जाएगा ऊपर जाके, और ए टू, तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस का आ जाएगा, एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी फोर और ए टू, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस का। इसके बाद हम ले रहे हैं नेक्स्ट 39, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो अब इसका यूनिट लिखें अपन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन अपन कूलाम, क्योंकि तो ये फोर्स अपॉन एरिया होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सॉरी फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो न्यूटन अपॉन कूलाम हो गया, और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो चलो डायरेक्टली यहीं से लिख देते हैं, फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहीं से कैलकुलेट करते हैं। न्यूटन का क्या हो गया, एम वन एल वन टी माइनस टू, ठीक है, मीटर स्क्वायर का एल टू हो गया, ठीक है, और इसका ए टी हो गया, ए वन टी वन हो गया। तो अब फाई क्या आएगा, तो ये आएगा एम वन, ठीक है, एल वन और एल टू मिलके एल थ्री बन गए, टी ए को ऊपर से जब नीचे से ऊपर जाएगा तो टी बी माइनस थ्री बन गया, और ए माइनस वन, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हो गया। मेनली आप सी को निकालना, ठीक है, रटोगे कितना, कोशिश करो कि फॉर्मूले लर्न हो हल्के फुल्के और निकालना सी को। इसके बाद 40, दैट इज जो नेक्स्ट क्वांटिटी अपन ले रहे हैं इसमें, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या सिंपली डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो। तो ये होता है स्टूडेंट्स चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इसमें यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो चार्ज का कूलाम और डिस्टेंस का मीटर, कूलाम इनटू मीटर। अब कूलाम क्या होता है, करंट इनटू टाइम, तो कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड इनटू मीटर हो गया ये। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं जनरली, तो स्मॉल पी इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मास का, तो क्या होगा एम जीरो, मास तो आ नहीं रहा, मीटर आ रहा है इसमें तो एल वन, टाइम में सेकेंड आ रहा है तो टी वन और ए वन, मतलब ए वन टी वन एल वन, ए टी एल बोल सकते हैं, ए टी एल, ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट 41, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद हम बात करते हैं, एक क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यू कैन से वैक्यूम। देखो इसका कैसे निकालते हैं, जैसे ग्रेविटेशन में हम फोर्स पड़े थे, तो वैसे ही यहाँ पे सोचो ये दो चार्ज है क्यू वन और क्यू टू, और ये वैक्यूम में रखे हुए हैं या एयर में रखे हुए हैं, इनके बीच का सेपरेशन है आर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है ना एफ, वो प्रपोर्शनल होता है स्टूडेंट्स क्यू वन क्यू टू के मल्टीप्लाई के, और इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है इस डिस्टेंस स्क्वायर के। जब इस साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं इस तरह से, वन अपॉन फोर पाई ये एप्साइलन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो एप्साइलन नॉट है ना, एप्साइलन नॉट यही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यही है, ठीक है, इसको बोलते हैं एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट।
अभी स्टूडेंट्स देखो क्या होगा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या निकल के आएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई f इंटू आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई f इंटू आर स्क्वायर। अब इसका यूनिट लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो कूलाम इंटू कूलाम, चार्ज इंटू चार्ज, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। 4 पाई तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, फोर्स न्यूटन हो गया और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है अपने को, तो देखो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, तो कूलाम होता है एम्पेयर इंटू टाइम, तो ये स्क्वायर हो रहा है तो A2 T2 हो गया ऊपर को, तो नीचे क्या होगा न्यूटन का क्या होता है M1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर का क्या हो गया L2। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा यहाँ पे, m ऊपर जाएगा तो m-1, m-1 बन गया, नीचे देखो L3 हो रहा है ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा, T- ऊपर जाएगा तो T4 हो जाएगा, और A2 ऊपर पहले से, तो ये हमारे पास में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का आ गया। नेक्स्ट 42 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो 42 जो है स्टूडेंट्स वो है रिलेटिव परमिटिविटी, और एक और नाम है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं, डायरेक्टली कांस्टेंट को के भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब देखो मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, उसको लिखा एप्सिलॉन एम, और वैक्यूम की क्या होगी, उसको लिखा एप्सिलॉन नॉट, तो ये आया एप्सिलॉन आर या के। अब जो इसका यूनिट होगा वो इसका यूनिट होगा, जैसे रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता, तो इसका जो यूनिट होगा फर्स्ट वाले परमिटिविटी का वो यही होगा जो हमने यहाँ लिखा था, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले का भी यही हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये यूनिट लेस आ जाएगा, तो यूनिट लेस आ जाएगा तो ये डायमेंशन लेस भी आ जाएगा। तो एप्सिलॉन आर या डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो है इसका जो डायमेंशन हो गया M0 L0 T0, बाकी A0 भी लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। नेक्स्ट 43 पे चलते हैं, तो 43 में अगर हम बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और यू कैन से मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको बी से डिनोट करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट देखो, एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू QEB, ये फॉर्मूला होता है। इसमें क्यू तो है चार्ज और वी है इसमें स्पीड, एफ इसमें फोर्स है और बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो यहां से बी क्या आया, बी आया एफ अपॉन QV। अब इसका यूनिट लिखते हैं, तो फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन, चार्ज का क्या होगा, चार्ज का होगा कूलाम, और वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो वो सेकंड ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट, इसी को टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला। तो अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले न्यूटन का लिखते हैं M1 L1 T-2, सेकेंड का T1, कूलाम का A1 T1,
और मीट का L1, तो L1 से तो L1 कटेगा, तो फाइनली B का डायमेंशन फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या आएगा, तो दैट विल बी M1। फिर इसके बाद में ए L1 से देखो, L1 का डेंसिटी हो गया, और स्टूडेंट्स L1 से तो L1 कैंसिल हो रहा है, T1 से T1 भी कैंसिल हो रहा है, तो L तो 0 हो गया यहाँ पे, फिर T हो गया -2 और A ऊपर जाएगा तो A-1। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फाइनली क्या आया, M1 L0 T-2 A-1, ये इसका हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स 44। तो 44 में हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो उसको हम फाई बी से लिखते हैं, उसको सिंपलीफाई लिखा था। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होता था, तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ए क्या है यहाँ पे, एरिया, और बी तो आप समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या आएगा, तो आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट आएगा ना स्टूडेंट्स, वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स को वेबर बोलते हैं, वेबर, वेबर WB। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो स्टूडेंट्स देखो इधर, मैग्नेटिक फील्ड का तो अभी हमने फाइंड किया था ही, M1 L0 भी नहीं लगा रहा मैं, T-2 A-1 ये फाइंड। अब एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे L0 था तो L2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का भी हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लिख रहे हैं स्मॉल एम से। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये सर्कुलर वायर है, अभी सर्कुलर वायर का एरिया ए है और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है और इसमें नंबर ऑफ टर्न एन है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। अब इसका यूनिट लिखते हैं अपन, तो नंबर ऑफ टर्न का तो कोई यूनिट होता नहीं, करंट का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, बस ये होता है। तो अब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा, मास तो कहीं आ नहीं रहा, मीटर स्क्वायर आ रहा तो L2 हो गया, टाइम कहीं नहीं आ रहा T0, और एम्पियर का A1 हो गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब हम बात करते हैं 46 पे चलते हैं। तो 46 के अंदर हम ले रहे हैं इंडक्टेंस, जैसे वहां रेजिस्टेंस लिया था, कैपेसिटेंस लिया था, ऐसे ही इंडक्टेंस होता है। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स एक ये जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इंडक्टेंस आता है, जिसको हम एल से लिखते हैं। तो इंडक्टेंस हो गया स्टूडेंट्स एल इक्वल टू 5B/I। तो ये एक तरीके से हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। अब स्टूडेंट्स यूनिट लिखते हैं अपन इसका, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट अपन ने क्या लिखा था अभी, मैग्नेटिक फ्लक्स का लिखा था टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब वेबर लिखा था, और करंट का क्या लिखा, एम्पियर। तो ये जो वेबर अपन एम्पियर है ना, इसको एच से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हेनरी, हेनरी साइंटिस्ट के नाम पर आई। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है इंडक्टेंस का, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो वेबर का हमने लिखा हुआ है ये रहा, वेबर का क्या लिखा हुआ है फ्लक्स का, M1 L2 T-2 A-1, M1 L2 T-2 A-1, T-2 A-1, और नीचे फिर से एक ए आ गया। तो फाइनली एल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 L2 T-2 A-2। स्टूडेंट्स फॉर्मूले आपको बनाना सीखना है, रटना नहीं है, कोशिश करनी है कि बनाना सीखे।
और जितना लर्न हो जाए उतना ठीक है, बाकी ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं बिल्कुल लेना है। स्टार्टिंग के लर्न रखो, कुछ मेन मेन लर्न रखो थोड़ा बहुत, बाकी इसमें ज़्यादा कोई ऐसे टेंशन नहीं लेने की सारे रटने अभी से। तो आप फिजिक्स जैसे से पढ़ोगे आप खुद ही फॉर्मूले अपने आप लर्न हो जाएंगे, तो आपको इसमें अभी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद अपन ले रहे हैं जो तो नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और यू कैन से मैग्नेटाइजेशन। तो नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है इसको मैग्नेटिक मोमेंट बोल दिया मैंने। पर यूनिट वॉल्यूम इसको मैं कैपिटल एम बोल दूं तो ये कैपिटल एम एक तरीके से हो गया स्मॉल एम अपॉन वी। अब यूनिट क्या होगा, तो एम को हमने एनआईए रखा था, एनआईए बोला था इसको, अपॉन वॉल्यूम है ये। अब यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से पहले यूनिट लिखते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ टर्न का तो वो होता नहीं, करंट का एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब गया तो ये हो गया एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर लिखना बहुत आसान है इसका, तो ये क्या होगा मास कहीं नहीं आ रहा एम जीरो, लेंथ ऊपर जाएगा मीटर तो -1, टाइम कहीं नहीं आ रहा और एम्पियर ऊपर ऑलरेडी है तो A1। दिस इज मैग्नेटाइजेशन। नाउ 48, अब हम 48 नंबर पे चलते हैं। तो 48 में आता है स्टूडेंट्स परमीएबिलिटी, परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जैसे वहाँ परमिटिविटी आया था ना ऐसे यहाँ परमीएबिलिटी आता है। तो परमीएबिलिटी परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और यू कैन से फ्री स्पेस। तो परमीबिलिटी ऑफ वैक्यूम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जैसे एक वायर है ये, एक दूसरा वायर है, तो आप पढ़ोगे कि इस वायर में एक I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं ये, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है। तो ये जो फोर्स का जो वैल्यू होता है ना ये होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। तो यहाँ से ये म्यू नॉट जो होता है ना इसको, ये म्यू नॉट ही परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, वो परमिटिविटी थी, तो यहाँ से म्यू नॉट क्या आएगा फोर्स इंटू 2 पाई डी अपॉन एल इंटू I1 I2। अब इसका यूनिट लिखते हैं स्टूडेंट्स हम, तो इसका जो यूनिट हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फोर्स का क्या लिखेंगे, न्यूटन, 2 पाई का होता नहीं है, डिस्टेंस का मीटर, नीचे लेंथ का भी मीटर और करंट का एम्पियर इंटू एम्पियर, तो एम्पियर स्क्वायर हो गया ये। तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या आएगा, अगर ये एम्पियर स्क्वायर हो गया है तो बहुत ईजी है, न्यूटन का क्या होगा M1L1T-2 और एम्पियर का A2। तो फाइनली क्या आएगा, फाइनली म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला परमिबिलिटी का क्या आ जाएगा, M1L1T-2 या -2 आएगा, T-2 और A2 ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, A2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा A-2 हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली इसकी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, 49। 49 पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर और इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये क्या होता है, इसको के से लिखते हैं स्टूडेंट्स, और ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा।
टू पाई तो एक एंगल है और लेमडा वेवलेंथ है, वेवलेंथ। तो अब इसका ऐसा यूनिट आएगा, तो एंगल का तो रेडियन होता है और लेंथ का मीटर होता है। अब स्टूडेंट्स रेडियन अपॉन मीटर हो गया, मतलब रेडियन पावर 1 मीटर पावर -1। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर अपन लिखेंगे तो रेडियन का तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ मीटर -1 का होगा, तो m0 l -1 t0, बस सिर्फ हम ये लिख देंगे, इतना हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमने मैक्सिमम फील्ड्स की सारी क्वांटिटीज हमने यहाँ पे कवर कर ली है, मतलब जितनी भी मैक्सिमम फिजिक्स की क्वांटिटीज है लगभग लगभग ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटीज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली है स्टूडेंट्स, है ना। आपको तो जितना इसमें से लर्न हो सके उतना लर्न कीजिए, बाकी निकालना सीखिए, ठीक है। 50 50 पे एक क्वांटिटी और ले लेते हैं, वो क्वांटिटी को मुझे सोचनी पड़ेगी, ऐसे तो मेरे को क्वांटिटीज लगभग लगभग सारी कवर हो गई है, तो अब मेरे लिए सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ, डीके कांस्टेंट बताता हूँ, डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। तो डीके कांस्टेंट जो होता है उसको लैम्डा से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन हाफ लाइफ, ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर आता है। तो स्टूडेंट हाफ लाइफ एक टाइम ही तो है, मतलब 0.693 अपॉन टी हाफ। इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा नंबर का तो कुछ होता नहीं है, नीचे टाइम है तो सेकेंड पावर माइनस वन आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, m0 l0 t-1। तो स्टूडेंट्स हमने फिजिक्स की डायमेंशन की सारी क्वांटिटीज कवर कर ली, इसमें से जितना आपको लर्न हो सके उतना मैक्सिमम आप लर्न करने की कोशिश करो। और अब 11th के बच्चे हैं तो 12th वाली क्वांटिटी जहाँ से स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रिक चार्ज से, उसके आगे का लर्न मत करो, वो सिर्फ 11th वाली करो। 12th पास है उनको सबको सारी करनी चाहिए, ताकि उनकी उनको तो पढ़ा हुआ है 11th 12th में, तो जितना मैक्सिमम हो सके उतना से बेटर करने की कोशिश करो। बाकी ऐसे कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हमें सब याद होगी तो ही हमारा काम चलने वाला है, निकालना सीखो मेनली, इनको फाइंड करना सीखो, फॉर्मूला लर्न करना सीखो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हमने सारे डायमेंशन फॉर्मूले निकालना सीख लिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इनका एप्लीकेशन होगा स्टूडेंट्स, हम इनको अप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर डायमेंशन एनालिसिस का होगा। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।